नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। नेहटौर थाना प्रभारी की मनमानी के चलते किसान यूनियन ने दिगंबर सिंह के नेतृत्व में दिया धरना, जहां भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने थाना नेहटौर प्रभारी निरीक्षक जय कुमार के व्यवहार और आचरण व फरियादियों के साथ अच्छा व्यवहार न करने का आरोप लगाते हुए ब्लॉक प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि नेहटौर थाना प्रभारी निरीक्षक कानून को अपनी मनमर्जी अनुसार प्रयोग करते हैं और क्षेत्र के लोगों का उत्पीड़न करते हैं। बहुत देर तक धरना चलने के बाद उपजिलाधिकारी धामपुर धीरेन्द्र सिंह व क्षेत्राधिकारी धामपुर अजय कुमार अग्रवाल मौके पर पहुंचे और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं से वार्ता की। कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक में धरना देते हुए थाना नेहटौर प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और थाना नेहटौर प्रभारी निरीक्षक को हटाए जाने की मांग की है। इस मामले को लेकर उपजिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी धामपुर को ज्ञापन दिया गया है। नेहटौर से मोहम्मद फैजान की रिपोर्ट। प्रदर्शन था भारतीय किसान यूनियन का, क्या मामला था? नेटवर्क की समस्याएं थी, थाना अध्यक्ष की समस्याएं थी, थाना अध्यक्ष के व्यवहार की, और दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा उस आंदोलन को लेकर हमें तैयारी भी यहाँ करनी है। तो उस आंदोलन की तैयारी के लिए भी और यहाँ जो अधिकारियों का व्यवहार था, विशेष रूप से थाना अध्यक्ष नेटवर्क का, उसका व्यवहार बहुत खराब यहाँ था। आए दिन किसानों के साथ बदतमीजी करना और खुलेआम रिश्वत लेना, ये सारी चीज़ें यहाँ चलती थी। उसको लेकर यहाँ एक मांग पत्र दिया, अधिकारियों को दिया गया। गेहूँ की खरीद का मुद्दा, गन्ने के भुगतान का मुद्दा और दिल्ली के किसान आंदोलन की तैयारी। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।